वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका शाहजहांपुर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बना करके भेजा है दीपक ने। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शाहजहांपुर से पीलीभीत जंक्शन तक जो यात्रियों का सफ़र है, दो जोड़ी रेलगाड़ी यहाँ पर चल गई हैं और समय सारणी भी बदल गई है। 1 अक्टूबर से अब ये जो ट्रेन है शाम को 5:30 बजे यहाँ से छूटेगी शाहजहांपुर से। तो घर से निकलते समय आप 139 पर समय ज़रूर पता कर लीजिए ट्रेन्स का। अब सबसे बड़ी बात यह है जो शाहजहांपुर से हमें करनी है आज, कि इस बार नवरात्रि के ऊपर शाहजहांपुर से टनकपुर के लिए कोई भी मेला स्पेशल ट्रेन रेलवे ने नहीं दी, ना ही NER ने और ना ही NR ने कोई ट्रेन शाहजहांपुर से चलाई टनकपुर के लिए, जिससे कि तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं जिनको पूर्णागिरी दर्शन करने जाना होता है टनकपुर, वो जा सके। इस पर कोई व्यवस्था इस बार नहीं की गई, जिससे यहाँ पर स्थानीय लोगों में भी और जो दैनिक यात्री यहाँ के हैं चलने वाले तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं उनमें थोड़ा गुस्सा है, रेलवे के प्रति रोष है। और दूसरा ये कि इस रूट पर अब लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ जो चलाए जाने की बात हो रही थी उसका भी कुछ नहीं हुआ। ना शाहजहांपुर NR साइड से कोई ट्रेन हमारी पीलीभीत जंक्शन तक एक्सटेंड हुई। जो शाहजहांपुर सीतापुर सिटी जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलती है, सवारी गाड़ी, उसको NR अगर चाहे तो पीलीभीत या टनकपुर तक उसका विस्तार कर सकता है और सिटी जंक्शन से आगे ऐशबाग जंक्शन या लखनऊ जंक्शन तक उस गाड़ी का विस्तार किया जा सकता है। या कुछ और लंबी दूरी की ट्रेन शाहजहांपुर हमारे मीटर गेज जहां पर हुआ करता था NER साइड, यहां पर इसी स्टेशन से जहां आज बड़ी लाइन की ट्रेन चल रही हैं कासगंज मथुरा के लिए ट्रेन पीलीभीत होते हुए चला सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो लोगों में जो है कोई ख़ास खुशी नहीं हो रही है कि बड़ी लाइन हो गई, आमान परिवर्तन हो गया और उन्होंने जो सपने देखे थे कि अब बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी, ट्रेन्स बढ़ेंगी, वैसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। मात्र 2 ट्रेन से संतोष करना पड़ रहा है। ये हमारे शाहजहांपुर का NR वाला साइड है, नॉर्दर्न रेलवे का स्टेशन, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये साप्ताहिक ट्रेन जो है वो निकल रही है आनंद विहार मालदा टाउन। तो इसकी झलक भी देखिए साथ साथ। लेकिन अब कोशिश की जानी चाहिए रेलवे की तरफ से, चाहे उत्तर रेलवे कोशिश करे या NER हमारा कोशिश करे, कि शाहजहांपुर से कुछ ट्रेन्स बरस्ता, पीलीभीत, बरेली सिटी होते हुए मथुरा है, आगरा फोर्ट है, जयपुर है, आप लंबी दूरी की ट्रेन्स अगर पीलीभीत जंक्शन से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो शाहजहांपुर से आप ऑपरेट करिए, जिसमें कि शाहजहांपुर के लोगों को भी लाभ हो और जो बीसलपुर हमारा सेक्शन है, निगोही, बीसलपुर, भूपतपुर, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी लाभ हो और यहाँ से फिर पीलीभीत जंक्शन होते हुए ट्रेन आगे भोजीपुरा जंक्शन है, इज्जत नगर होते हुए, बरेली सिटी के रास्ते बदायूं होते हुए ट्रेन जा सकती हैं बिना किसी लोको रिवर्सल के। तो एक वैकल्पिक रूट हमारे पास आज उपलब्ध है, एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ट्रेन संचालित की जा सकती हैं। शुरुआत होनी चाहिए अब, वो शुरुआत नहीं हो रही है रेलवे की तरफ से। सबसे बड़ा दुख और लोगों में जो अब मायूसी है वो इसी बात को लेकर की है कि कोई भी शुरुआत नहीं दिख रही है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देखिए अब खड़ा हो गया है, मौजूद है हमारे पास, बड़ी लाइन है, अमान परिवर्तन हो गया, शाहजहांपुर से बीसलपुर की लाइन जुड़ी हुई है NR के ट्रैक से, तो सब कुछ हमारे पास है। लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रेन हम नहीं चला पा रहे हैं, लखनऊ जंक्शन से भी ट्रेन होनी चाहिए अब तो टनकपुर और पीलीभीत के लिए, बरस्ता सीतापुर जो हमारा रोजा वाला रूट है इधर से निगोही बीसलपुर के रास्ते, ताकि जो यहाँ पर भी जो लोग हैं बीसलपुर निगोही के उनको सीधी प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाने की ट्रेन मिल सके। तो इस पर अब रेलवे को ध्यान देना चाहिए और कुछ ट्रेन्स अब इस रूट पर बढ़ानी चाहिए। तो एक झलक बनारस अहमदाबाद वीकली एक्सप्रेस की देखिए निकलते हुए शाहजहांपुर से। और इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। उम्मीद है रेलवे अधिकारी अब इस ओर ध्यान देंगे कि शाहजहांपुर से कुछ ट्रेन पीलीभीत रूट पर बढ़ाई जाए, दी जाए, विशेषकर टनकपुर तक ज़रूर होनी चाहिए और कुछ मथुरा कासगंज की दिशा में अगर ट्रेन चलाई जा सके तो बहुत लाभ होगा काफ़ी सारे लोगों को। ये बात करनी थी आज शाहजहांपुर से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।